हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अखिलेश शर्मा IC में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सोते समय कभी भूल कर भी ना करें ये चार गलतियां, वरना हो जाएंगे बीमार, बताने जा रहा हूँ। शरीर में हमेशा स्वस्थ रहने के लिए शरीर को पर्याप्त आराम देना बहुत ज़रूरी है। शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लिया जाता है, सबसे अनमोल वरदान है। इसलिए हर व्यक्ति को रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। इससे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोने का तरीका अलग अलग होता है। गलत तरीके से सोने से रात भर अच्छी नींद नहीं आती है और शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है। आजकल अधिकतर लोग गलत तरीके से सोते हैं, इसकी वजह से शरीर में अनेक गंभीर समस्याएं होती हैं। आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सोते समय कभी भूल कर ना करें ये चार गलती, वरना हो जाएंगे बर्बाद बीमार। तकिया लाकर सोना। आजकल लोग शरीर को आराम देने के लिए तकिया लाकर सोते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए गलत असर पड़ता है। तकिया लाकर सोने से कमर और गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में नहीं होती, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। बाईं ओर मुड़कर सोना। रात को भोजन करने के बाद 2 घंटे बाईं ओर मुंह करके ही सोना चाहिए। इससे भोजन का पाचन धीरे धीरे होता है और हमारा हृदय और पाचन तंत्र दोनों बाएं तरफ होने से दाईं इसलिए दाईं ओर मुंह करके सोने से भोजन तेज़ी से पचता है और शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। पेट के बल सोना। आजकल बहुत से लोग पेट के बल सोते हैं, लेकिन यह सोने का तरीका शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। पेट के बल सोने से हृदय पर बुरा असर पड़ता है और भोजन का पाचन भी अच्छे से नहीं होता है। घुटने मोड़कर सोना। आजकल बहुत से लोग घुटना मोड़कर सोना पसंद करते हैं। इस तरीके से सोने में जोड़ों में दर्द हो सकता है। धन्यवाद।